आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का, 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं।